हेलो, आवाज आ रही है? स्लाइड हो रही है सभी यस सर पिछली क्लास में किसी को कोई प्रॉब्लम? एनर्जी बैंड इन सॉलिड में किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है, आगे चले। यस सर यस सर। ठीक है, आज का टॉपिक है हम लोगों का। अब इस एनर्जी बैंड के बेसिस पे हम किसी भी सॉलिड या मटेरियल्स को कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ बैंड स्ट्रक्चर। ऑन द बेसिस ऑफ बैंड स्ट्रक्चर बाय द इलेक्ट्रॉन एंड विथ ऑफ द फॉरबिडन गैप ऑल सॉलिड्स कैन बी क्लासिफाइड एज थ्री टाइप्स। फर्स्ट इज इंसुलेटर्स, सेकेंड इज कंडक्टर्स एंड थर्ड इज सेमी कंडक्टर्स। ओके, तो आप ये देख रहे होंगे कि जो आपका बैंड डायग्राम बना हुआ है बगल में, इसमें आपका एक बैंड वैलेंस बैंड है, अपर बैंड आपका कंडक्शन बैंड है, इसके बीच में वाइड एनर्जी गैप है नियरली इक्वल्स टू 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो फॉरबिडन गैप आपका यहाँ पे बन रहा है इंसुलेटर के केस में क्या है? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब कि वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड के बीच में वाइड एनर्जी गैप होता है nearly equals to 5 electron volt. Like the materials in which the conduction and valence band are separated by a wide energy gap are called insulators. A wide energy gap means that a large amount of energy is required to free the electron by moving them from the valence band into conduction band. Okay, हमें large amount nearly equals to 5 electron volt की energy की requirement होती है insulator के case में, जो कि valence band के electron conduction band में move करते हैं। तो ये possible, इतना energy amount में possible नहीं होता, इसलिए इंसुलेटर्स में आपका करंट कंडक्शन नहीं होता। एट ए रूम टेम्परेचर द बैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन ऑफ एन इंसुलेटर डू नॉट हैव एनफ एनर्जी टू जंप इनटू द कंडक्शन बैंड। देयरफॉर इंसुलेटर डू नॉट हैव
एंड एबिलिटी टू कंडक्ट द करेंट. एक्सक्यूज मी सर, हाँ बताओ. जो कुछ बच्चे ऐड होने की कोशिश कर रहे हैं. ओके ठीक है. तो इंसुलेटर के केस में पॉसिबल नहीं होता है कि उस मटेरियल्स में हमारा कोई भी करंट कंडक्शन स्टार्ट हो. एक तरह से भी देख सकते हैं कि इंसुलेटर है फुल बैलेंस बैंड, इसका बैलेंस बैंड जो होगा वो फुल हो सकता है एंड कंडक्शन बैंड ये पूरा एम्प्टी होता है और इनके बीच में वाइड एनर्जी गैप होता है. इस वजह से इनकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो हाई होती है और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो होती है वो लो होती है. ओके इंसुलेटर आपका क्लियर सभी को? यस सर. यस सर. ठीक है नेक्स्ट है हम लोगों का कंडक्टर. तो आप देख रहे होंगे कि एनर्जी बैंड डायग्राम जो है आप यहाँ पे देख रहे हैं बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड आपका ओवरलैप होता है. मतलब कि जिनके बीच में जो फॉरविडन एनर्जी गैप होता है वो जीरो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है. फॉरविडन एनर्जी गैप क्या होता है? जीरो इलेक्ट्रॉन वोल्ट. जीरो इलेक्ट्रॉन वोल्ट. जिससे कि यहाँ जो ओवरलैपिंग हो रही है इससे ओवरलैपिंग क्या इंडिकेट कर रहा है कि लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल फॉर द कंडक्शन बैंड. एक्सक्यूज मी सर, सर कुछ लोग ज्वाइन करने का ट्राई कर रहे हैं, ज्वाइन कर लीजिए सर. ठीक है. तो कंडक्टर की डेफिनेशन कह सकते हैं कि द मटेरियल्स इन विच कंडक्शन एंड बैलेंस बैंड ओवरलैप आर कॉल्ड कंडक्टर्स. द ओवरलैपिंग इंडिकेट्स ए लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल फॉर द कंडक्शन बैंड. Hence, a small amount of energy or voltage result in a large amount of current. क्योंकि थोड़ी सी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है कंडक्टर के केस में और हमारा बैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में मूव करने लगता है. तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है और उस मटेरियल्स में आपका करंट कंडक्शन स्टार्ट हो जाता है. ठीक है. दिस इज नोन एज कंडक्टर्स. नेक्स्ट है हमारा सेमी कंडक्टर. थर्ड जो होता है हमारा सेमी कंडक्टर. तो सेमी कंडक्टर के केस में जो बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में जो गैप होता है वो स्मॉल गैप होता है. फॉरविडन बैंड जो होता है वो स्मॉल होता है, नियरली इक्वल्स टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. स्मॉल एनर्जी गैप होता है. इसकी डेफिनेशंस देख सकते हैं कि द मटेरियल्स इन विच द कंडक्शन बैंड एंड बैलेंस बैंड आर सेपरेटेड बाय ए स्मॉल एनर्जी गैप मींस नियरली इक्वल्स टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आर कॉल्ड सेमीकंडक्टर. तो जनरली हम लोग यहाँ पे अभी तक जो यूज कर रहे हैं सेमीकंडक्टर मोस्टली हम लोग सिलिकॉन एंड जर्मेनियम इसको वाइडली यूज करते हैं एज ए सेमीकंडक्टर. मतलब कि ए स्मॉल एनर्जी गैप मीन्स दैट ए स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू फ्री द इलेक्ट्रॉन्स बाय मूविंग देम फ्रॉम बैलेंस बैंड इनटू कंडक्शन बैंड. थोड़ी सी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है यहाँ पे नियरली इक्वल्स टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जिससे कि बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कंडक्शन बैंड में मूव करने लगते हैं
इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है तो यहाँ पे आपका करंट कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। एट ए रूम टेम्परेचर की बात करें तो ए सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल इन द कंडक्शन बैंड, इफ द टेम्परेचर इज इंक्रीज मोर बैलेंस इलेक्ट्रॉन विल एक्वायर एनर्जी टू जम्प इन टू द कंडक्शन एंड कंडक्ट द करेंट। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज होती है आपकी सेमीकंडक्टर में प्रॉपर्टीज, मतलब कि आपका सेमीकंडक्टर के केस में जो बैलेंस बैंड है वो फुल्ली फील्ड हो सकता है और पार्शियली भी फील्ड। सर कुछ बच्चे ज्वाइन होने के लिए बोल रहे हैं, तब आएंगे ये सब क्लास में। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर का जो बैलेंस बैंड होता है, बैलेंस बैंड वो फुल्ली फील्ड भी हो सकता है और पार्शियली भी फील्ड हो सकता है, और कंडक्शन बैंड जो होता है वो एम्प्टी भी हो सकता है और पार्शियली फील्ड भी हो सकता है सेमीकंडक्टर के केस में, और इनके बीच में ये स्मॉल एनर्जी गैप होता है मेनली इक्वल्स टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो एट 0 केल्विन अगर बात करें, एट 0 केल्विन तो सेमीकंडक्टर जो की उसकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो हमारा जस्ट लाइक इंसुलेटर की तरह वर्क करता है। ठीक है, जब तक हम लोग सेमीकंडक्टर पे कोई भी एक्सटर्नल सोर्स या एक्सटर्नल फील्ड नहीं अप्लाई करते हैं तब तक उसमें करंट कंडक्शन स्टार्ट नहीं होता है, तो एट 0 केल्विन वो आपका एज ए इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस में ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि हम उस पर जब तक एनर्जी सोर्स नहीं अप्लाई करते हैं उसमें करंट कंडक्शन स्टार्ट नहीं होता है। जबकि ये सेमीकंडक्टर बिहेव लाइक इंसुलेटर एट 0 केल्विन बिकॉज नो इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल इन द कंडक्शन बैंड। इट मींस कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे हम लोग इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे हमारी सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी इंक्रीज करती जाएगी। तो ये तीनों मटेरियल का आप लोग कैटेगराइजेशन देख रहे हैं कि अगर और अगर थोड़ा सा इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें सेमीकंडक्टर की, तो ये हम कह सकते हैं कि ऐसा मटेरियल जिसकी प्रॉपर्टीज जो है वो इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच मिलाइज करे, प्रॉपर्टी इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच मिलाइज करे, तो ऐसे सारे मटेरियल्स को हम लोग कह सकते हैं कि ये हमारा सेमीकंडक्टर है। जबकि दोज मटेरियल्स दोज इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज लाइज बिटवीन दोज ऑफ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर आर नोन एज सेमीकंडक्टर। ऐसे सारे बहुत सारे आपके सेमीकंडक्टर हैं जैसे जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, गैलियम आर्सेनाइड हो गया, कैडमियम सल्फाइड हो गया एंड लेड टेल्यूराइड हो गया। इसकी प्रॉपर्टीज आपकी इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में लाइज करती आर नोन एज सेमीकंडक्टर्स। ओके, क्लियर सभी को? यस सर। यस सर।
ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसी सेमी कंडक्टर के बारे में हम लोग स्टडी करनी है। ठीक है, स्लाइड दिख रही सभी को? यस सर। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर हमारा दो टाइप्स का होता है, देयर आर टू टाइप्स। फर्स्ट इज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड सेकेंड इज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होते हैं ये दो टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स के एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। फर्स्ट इज एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड सेकेंड इज पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करेंगे, इसको हम लोग प्योर सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं, इज आल्सो नोन एज प्योर सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर विच इज इन इट्स एक्सट्रीमली प्योर फॉर्म इज नोन एज इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर। तो सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर द टू मोस्ट वाइडली यूज्ड इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर। जनरली जो हम लोग सिलिकॉन और जर्मेनियम यूज करते हैं ये प्योर सेमी कंडक्टर होते हैं। जिसकी वैलेंसी जो होती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ये फोर होता है, सो दैट द एटम इज टेट्रावेलेंट एटम होते हैं, इज कॉल्ड प्योर सेमीकंडक्टर। द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज शेयर्ड बाय वन ऑफ इट्स फोर नियरेस्ट एटम्स ड्यू टू शेयरिंग द कोवेलेंट बॉन्ड और बॉन्ड। ये आपस में कोवेलेंट बॉन्ड, इनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो कौन सी बॉन्डिंग होती है, कोवेलेंट बॉन्ड की बॉन्डिंग। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हमारा करंट कंडक्शन कैसे होता है इसको देखते हैं। तो ये बगल में एक तरफ आपका स्ट्रक्चर बना हुआ है सिलिकॉन का स्ट्रक्चर और दूसरी तरफ आप इसका बैंड एनर्जी डायग्राम। क्लियर दिख रहा है सभी को? यस सर। तो जो इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है आपस में देख रहे हैं, जो सारे नियरेस्ट एटम्स जो हैं वो आपस में कोवेलेंट बॉन्ड से कनेक्ट है, ठीक है। इसी तरह आपका जर्मेनियम में भी होता है और सिलिकॉन, दोनों में सेम होता है। तो इसमें आपका करंट कंडक्शन कैसे स्टार्ट होता है? तो जैसे ही हम लोग नियरली इक्वल्स टू, जैसे ही हम लोग इसपे 300 केल्विन टेम्परेचर इसपे अप्लाई करते हैं, 27 डिग्री सेंटीग्रेड अप्लाई करते हैं, तो इसके जो कोवेलेंट बॉन्ड है ये आपस में ही ब्रेक कर जाता है। तो ब्रेक करने के बाद जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि जब ये एक कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो यहाँ पे आपका एक होल क्रिएट हो जा रहा है, जिसका
चार्ज जो है वो पॉजिटिव चार्ज है। तो जैसे ये आपका कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक कर जाता है तो यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन आपका फ्री हो जाता है और ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो कंडक्शन बैंड की तरफ मूव कर जाता है। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग इस पे एनर्जी की एनर्जी अप्लाई करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक कर जाते हैं और जो ये बॉन्ड फिर फॉर्म हो जाता है इसकी वजह से एक पॉजिटिव चार्ज की वजह से जिसको हम लोग होल्स बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं, होल्स बोलते हैं। होल्स यहाँ पे आपका क्रिएट हो जाता है और कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो जाता है और यहाँ का फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो कंडक्शन बैंड में मूव करने लगता है। तो ये प्रोसेस जब स्टार्ट होता है तो सारे बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन जो है वो कंडक्शन बैंड की तरफ मूव करने लगते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे करंट का इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है तो आपका यहाँ पे इस मटेरियल्स में आपका करंट भी फ्लो करने लगेगा। ठीक है, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के केस में जो आपका ये फॉर्बिडन एनर्जी गैप है नियरली इक्वल्स टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसके बीच में आपका ये फर्मी लेवल राइज करता है। क्या राइज करता है? फर्मी लेवल, मतलब कि ये जो फर्मी लेवल होता है इट इज ए मैक्सिमम एनर्जी लेवल ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इट इज द मैक्सिमम एनर्जी लेवल which is occupied by an electron at zero Kelvin. At higher temperature, some electrons are excited into the higher energy state. Then, Fermi level corresponding to the center of gravity of conduction electron and holes weighted according to their energies. जबकि ये Fermi level जो है, आपका shift होते रहता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अकॉर्डिंग आपका शिफ्ट होता है। जैसे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ये बिल्कुल मिडिल में लाइज करता है क्योंकि जितने भी आपके इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं कंडक्शन बैंड में उतने ही होल्स आपके रिमेनिंग बच जा रहे हैं किसमें, बैलेंस बैंड में। तो ड्यू टू सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो फर्मी एनर्जी लेवल है ये बिल्कुल मिडिल में लाइज करती है। ठीक है, तो जर्मेनियम का जो यहाँ पे फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है वो कितना होता है? 0.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब कि एनर्जी कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है कि बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में मूव करने लगते हैं जर्मेनियम के केस में। और सिलिकॉन के केस में 1.10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और सिलिकॉन के वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में मूव करने लगते हैं। इस तरह गैलियम आर्सेनाइड का होता है 1.43 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.43 इलेक्ट्रॉन। मतलब कि व्हेन द टेम्परेचर इन इंक्रीज्ड बियॉन्ड द रूम टेम्परेचर द कोवेलेंट बॉन्ड इज ब्रोकन, इट विल क्रिएट लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर, इलेक्ट्रॉन होल पेयर। ठीक है, द फ्री इलेक्ट्रॉन विल लिफ्टेड फ्रॉम बैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड बट द होल विल बी रिमेन इन बैलेंस बैंड। Therefore, the current flows due to movement of electron and holes. Since the electron and holes are created in pair, the free electron concentration is equal to the concentration of holes. Therefore, intrinsic carrier concentration is n I is equals to small n is equals to small p.
तो इसमें जो करियर कंसंट्रेशन होता है इलेक्ट्रॉन और होल्स का इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, ये दोनों इक्वल होता है। क्या होता है? इक्वल होता है, क्योंकि जितने भी जब भी कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है तो वहां पे इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर क्रिएट होते हैं। होल क्या करता है, वो फिर कोवैलेंट बॉन्ड बना लेता है और जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्शन बैंड में मूव करने लगता है। तो इक्वल अमाउंट में ये दोनों जनरेट होते हैं, इसलिए इसका कंसंट्रेशन भी इक्वल होता है दोनों के केस में। ओके यस सर। नेक्स्ट है हम लोगों का एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब कि जब हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है अगर उसको हम लोग चेंज कर देते हैं, ठीक है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को चेंज कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ डोपिंग प्रोसेस, ठीक है, तो जो रिजल्टिंग सेमीकंडक्टर होता है उसी को हम लोग बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और इम्प्योर सेमीकंडक्टर। ओके, मतलब कि द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर देयर कैरेक्टरिस्टिक्स हैव टू बी चेंज्ड बाय एडिंग और डोपिंग सर्टेन अमाउंट ऑफ डिजायर्ड इम्प्योरिटी एटम्स, द रिजल्टिंग सेमीकंडक्टर आर कॉल्ड इम्प्योर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो डोपिंग क्या होती है? डोपिंग एक प्रोसेस होती है, डोपिंग आपका एक प्रोसेस इंप्योरिटी ऐड करना, जिससे हम लोग किसी भी एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इंप्योरिटी ऐड करते हैं। ठीक है, तो जो रिजल्टिंग सेमीकंडक्टर होता है उसी को बोलते हैं हम लोग एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो डोपिंग इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग इंप्योरिटी एटम टू द प्योर सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड डोपिंग। इससे क्या होता है, डोपिंग की वजह से जो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स होते हैं आइदर इलेक्ट्रॉन और होल्स वो इंक्रीज कर जाते हैं। प्योर सेमीकंडक्टर में जो चार्ज कैरियर होते हैं वो इंक्रीज कर जाते हैं। अगर चार्ज कैरियर इंक्रीज कर रहे हैं तो उस मटेरियल्स में हम लोगों का बेटर करंट कंडक्शन होता है। ठीक है, चार्ज कैरियर अगर आपके ज्यादा होंगे जिस मटेरियल्स में, उस मटेरियल में बेटर कंडक्शन स्टार्ट होता है। इस वजह से हम लोग डोपिंग करते हैं किसी भी प्योर सेमीकंडक्टर। तो डोपिंग जो होता है इसको हम लोग दो टाइप से ऐड करते हैं इंप्योरिटी एटम। जनरली टू टाइप्स ऑफ इंप्योरिटी एटम आर एडेड टू द प्योर सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि जो हमारा प्योर सेमीकंडक्टर है सिलिकॉन और जर्मेनियम, अगर इसकी हमने चार्ज कैरियर नंबर ऑफ चार्ज कैरियर इंक्रीज करने हो तो अगर इसमें हम क्या कर सकते हैं, डोपिंग ऐड करेंगे, इंप्योरिटी ऐड करेंगे। इंप्योरिटी ऐड करने के लिए अगर तो सिलिकॉन और जर्मेनियम की जो बैलेंसी है आपकी 4 है। ठीक है, अगर इसमें हम लोग किसी पेंटावैलेंट इंप्योरिटी एटम को ऐड करते हैं, ठीक है, पेंटावैलेंट इंप्योरिटी एटम जिसकी वैलेंसी क्या होगी 5, ठीक है, तो जितने भी नेबरिंग एटम होंगे सिलिकॉन के या जर्मेनियम के वो 4 इलेक्ट्रॉन आपस में फिर कोवैलेंट बॉन्ड बना लेंगे जैसे इंप्योरिटी ऐड करेंगे। और एक आपका पेंटावैलेंट इंप्योरिटी एटम का जो एक इलेक्ट्रॉन होगा वो ऑलरेडी फ्री होगा। यस सर। तो इस पे हम लोग स्मॉल अमाउंट में ये एनर्जी जब अप्लाई करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो कंडक्शन बैंड में मूव करने लगेगा तेजी से, तो इसमें करंट कंडक्शन तेजी से स्टार्ट होगा। ऑलरेडी एक्सेस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आपको मिल जा रहा है,
यहाँ पे दो इंप्योरिटी एटम ऐड करते हैं, जैसे आप पेंटावैलेंट इंप्योरिटी एटम ऐड करेंगे, इसमें पेंटावैलेंट इंप्योरिटी एटम कौन कौन से हो सकते हैं, इसमें हम लोग बिस्मथ ऐड कर सकते हैं, फास्फोरस ऐड कर सकते हैं, एंटीमनी ऐड कर सकते हैं और आर्सेनिक भी ऐड कर सकते हैं। दीज एटम्स कंटेन्स फाइव वैलेंस इलेक्ट्रॉन। These atoms are element donates excess electron carriers. Therefore, such elements are known as donor or n-type impurity atom. Is also known as donor atom or n-type impurity atom. Clear? Yes, sir. कोई भी जो इम्प्योरिटी एटम होते हैं वो आपके या तो डोनर होंगे या एक्सेप्टर होंगे, ठीक है? एक्सेप्टर होंगे, कोई भी चीज आप एक्सेप्ट कर रहे हैं तो वहां पे भी मूवमेंट स्टार्ट होगा, ठीक है? मूवमेंट स्टार्ट होगा तो करंट कंडक्शन भी आपका उस मटेरियल में स्टार्ट होगा। इस वजह से हम लोग यहाँ पे ट्राइवेलेंट की इम्प्योरिटी एटम भी एड कर सकते हैं, ट्राइवेलेंट की इंप्योरिटी एटम भी ऐड कर सकते हैं। इसमें आप ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी एटम ऐड करेंगे तो वो एक्सेप्ट करेगा, एक इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं से एक्सेप्ट करने की कोशिश करेगा, एक्सेप्ट करेगा तो वहां भी आपका इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा और उस मटेरियल्स में करंट स्टार्ट हो जाएगा। तो ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी एटम हम लोग ऐड कर सकते हैं, जैसे आपका बोरान हो गया, गैलियम हो गया, इंडियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये सारे इंप्योरिटी एटम उसमें हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो दीज एलिमेंट्स कंटेन्स थ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड दीज एलिमेंट्स मेक्स अवेलेबल पॉजिटिव चार्ज कैरियर बिकॉज दे क्रिएट होल्स विच कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। Therefore, such elements are known as acceptor or p-type impurity atom. जितने भी ट्राइवेलेंट के इम्प्योरिटी एटम होते हैं उसको हम लोग एक्सेप्टर भी बोलते हैं और पी टाइप इम्प्योरिटी एटम भी बोलते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटी एटम एडेड टू द प्योर सेमी कंडक्टर the resulting semiconductors are two types. So doping के depending upon the doping, ये हमारे जो semiconductor होते हैं extrinsic semiconductor, ये two types के होते हैं। First is n-type semiconductor और second is p-type semiconductor. ठीक है, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर, हम लोग किसी भी प्योर सेमीकंडक्टर में कोई भी इम्प्योरिटी एटम ऐड करते हैं तो जो रिजल्टिंग सेमीकंडक्टर होता है उसी को हम लोग बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है? तो डिफिनेशन देख सकते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर आर ऑब्टेन्ड बाय द इंसर्टिंग द पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी एटम, पेंटावैलेंट इंप्योरिटी एटम। तो अब यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर में आप लोग देख सकते हो, स्ट्रक्चर में जो हम लोग यहाँ पे एंटीमनी एटम ऐड किए हैं जिसकी वैलेंसी आपकी फाइव है, बीच में आपको दिख रहा होगा, और इसके जो सिलिकॉन एटम्स हैं जिसकी वैलेंसी आपकी फोर है वो चारों तरफ से आपके कोवैलेंट बॉन्ड बना ले रहे हैं एंटीमनी के फोर इलेक्ट्रॉन से, और जो आपका फिफ्थ इलेक्ट्रॉन है वो ऑलरेडी फ्री इलेक्ट्रॉन हो,
एक्सेस इलेक्ट्रॉन है या फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो बैंड एनर्जी डायग्राम में जो हमारी फर्मी लेवल है वो क्या हो रही है, वो शिफ्ट हो रही है इस तरफ अपवर्ड डायरेक्शन में। क्यों शिफ्ट हो रही है, जैसे हम इसमें ऐड करते हैं तो ड्यू टू सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो फ्री इलेक्ट्रॉन होगा वो कंडक्शन बैंड की तरफ मूव करने की कोशिश करेगा। तो ये हमारी जो फर्मी एनर्जी लेवल या डोनर एनर्जी लेवल होता है वो शिफ्ट होता है, ठीक है। यस सर। मतलब कि द इफेक्ट ऑफ डोपिंग प्रोसेस टू क्रिएट ए डिस्क्रीट एनर्जी लेवल कॉल्ड डोनर एनर्जी लेवल appears in the orbiting band, and the fifth electrons is in free electron and is loosely bound to the antimony atom. These electrons due to the added impurity sit at donor energy level and have less difficulties absorbing to move into the conduction band. Energy required to move its electron is equals to the 0.01 electron volt for germanium and 0.05 electron volt for silicon. ठीक है, तो अभी यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो प्योर सेमीकंडक्टर था वहां पे 0.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था सिलिकॉन जर्मेनियम के लिए, और यहाँ पे आपका कितना हो गया 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसकी वजह से डोपिंग प्रोसेस की वजह से कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, और ऑलरेडी डोनर एनर्जी लेवल से आपका कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएगा। ठीक है, यस सर। ठीक है, तो n टाइप सेमीकंडक्टर्स देयर आर एडिशनल ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन क्रिएटेड बिकॉज द एडिशन ऑफ डोनर एटम द नेगेटिव चार्ज ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन इज अगेन बैलेंस्ड बाय द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द इमोबाइल आयंस। ठीक है, तो जो भी हमारा इलेक्ट्रॉन है फ्री इलेक्ट्रॉन हुआ वो कहीं ना कहीं बैलेंस उसको करना पड़ेगा। तो वो कैसे बैलेंस होंगे, जो आपके रेडिकल्स प्रेजेंट होते हैं मटेरियल्स में आयंस इमोबाइल आयंस प्रेजेंट होते हैं वो आपस में उससे बैलेंस हो जाते हैं। जैसे आपका ये जो आपका फ्री इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे हो रहा है, दिस इज नेगेटिव चार्ज, इस पे जो चार्ज होगा आपका नेगेटिव होगा, तो यहाँ पे जितने भी पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट होंगे सिलिकॉन और जर्मेनियम मटेरियल्स में उससे वो आपस में बैलेंस हो जाते हैं। Therefore, the electron in n-type semiconductor are known as majority carriers and holes as minority carriers. N-type semiconductor में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होंगे, majority carriers में होंगे and holes होंगे वो minority carriers. In addition, electrons are also balanced positive immobile ions. इसी तरह नेक्स्ट है हम लोग का पी टाइप सेमीकंडक्टर। इसमें हम लोग आप देख रहे होगी जैसे ही हम लोग इसमें इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हैं, एक्सेप्टर इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे बोरान ऐड कर रहे हैं जिसकी वैलेंसी आपकी 3 है, तो बोरान के 3 एटम्स होंगे वो सिलिकॉन के 3 एटम से कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे। और यहाँ पे देख रहे हैं कि आपका एक वैकेंसी क्रिएट हो रही है,
वैकेंसी क्रिएट हो रही है, तो वो वैकेंसी आपका जो नेबरिंग एटम होंगे, सिलिकॉन के नेबरिंग एटम जो होंगे, उस वैकेंसी को फिल अप करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जैसे ही आपके नेबरिंग एटम से फ्री इलेक्ट्रॉन या नेबरिंग एटम से आपका इलेक्ट्रॉन उस वैकेंसी को फिल अप करने की कोशिश करेगा, तो उसकी वजह उसकी जगह पे आपका एक होल्स क्रिएट हो जाए ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज की वजह से। तो वहां पे जो होल्स क्रिएट हो जाएगा, तो फिर वो वैकेंसी फिर क्रिएट कर वैकेंसी क्रिएट हो रही है, तो फिर नेबरिंग एटम्स जो होंगे वो फिर उस वैकेंसी को फिल अप करने की कोशिश करेंगे, तो फिर वो फिल अप हो जाएगा, फिर एक आपकी एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, तो फिर वो फिल अप कर लेगा नेबरिंग एटम, नेबरिंग एटम के इलेक्ट्रॉन फिर फिल अप कर लेंगे। तो इसी तरह इसमें आपका मूवमेंट होता रहेगा। ठीक है, तो इस मूवमेंट से आपका जो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन होंगे वो कंडक्शन बैंड में मूव करने लगेंगे। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है, तो यहाँ पे आपका इस मटेरियल्स में भी करंट कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। वैकेंसी की वजह से भी यहाँ पे करंट कंडक्शन स्टार्ट हो रहा है। तो इन पी टाइप सेमीकंडक्टर, द पी टाइप सेमीकंडक्टर आर ऑब्टेन्ड बाय द इंसर्टिंग ए ट्राइवेलेंट इंक्लूड द एटम्स। Only three electron are created to covalent bond with silicon and germanium atom, and a vacancy which exists in the complete covalent bond contributes a holes due to the absence of electron and accept the electron from the surrounding atom, therefore create a energy level. Create an energy level required to capturing the electron to 0.5 electron volt for germanium and 0.01 electron volt for silicon. This energy so as to fill the covalent bond around the all boron atoms. Around the all boron atoms. अब ये जो होल्स आपका क्रिएट हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है, वो आपका फिर बैलेंस कैसे होगा? तो जितने भी आपके निगेटिव इमोबाइल्स आयंस प्रेजेंट होंगे उससे आपस में वो बैलेंस होंगे। इस वजह से आपका जो पी टाइप सेमीकंडक्टर होगा उसमें आपका मेजॉरिटी कैरियर्स में क्या होंगे? होल्स होंगे, और माइनॉरिटी कैरियर्स में आपके इलेक्ट्रॉन्स। और ये जो होल्स होंगे वो बैलेंस कैसे होंगे? नेगेटिव इमोबाइल आयंस। ठीक है, तो ये माइनॉरिटी और मेजॉरिटी चार्ज को ध्यान में रखना, आगे इसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। ये आपके एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी कैरियर्स में इलेक्ट्रॉन होंगे और माइनॉरिटी कैरियर्स में होल्स होंगे। और जो मेजॉरिटी कैरियर आपका बैलेंस होता है वो किससे बैलेंस होता है? पॉजिटिव इमोबाइल आयन से। इसी तरह पी टाइप सेमीकंडक्टर में आपका मेजॉरिटी कैरियर्स में होल्स होंगे और माइनॉरिटी कैरियर्स में इलेक्ट्रॉन होंगे। और ये मेजॉरिटी कैरियर्स जो इसमें होल्स हैं वो कैसे बैलेंस होंगे? जो इस में नेगेटिव इमोबाइल्स हैं उससे आपके बैलेंस रहेंगे। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर? तो मीटिंग यहाँ पे हम लोग लीव करते हैं। आप लोग अटेंडेंस डाल दो चैट बॉक्स में, जो चैट बॉक्स में अटेंडेंस जिसकी पड़ेगी उसी की अटेंडेंस लगेगी, क्योंकि अगर इससे अटेंडेंस किसी की नहीं हो पाती है, जिसका चैट बॉक्स में अटेंडेंस आएगा वही उसका अटेंडेंस माना जाएगा।
तो सभी लोग अपना चैट बॉक्स में अटेंडेंस डाल दो। सर ये पीडीएफ, सर हेलो, सर ये पीडीएफ भेज सकते हैं आप ग्रुप में? हाँ मटेरियल प्रोवाइड करेंगे। ओके सर। सर प्रीवियस क्लास का तो नहीं हुआ था? सर प्रीवियस क्लास का और रात का भेज दीजिए प्लीज। ओके ओके।